probably. एक नई सिम निकलवा रहा हूँ भाई। तो सिम निकलवा तो तुम मेरे साथ चुपके थोड़ी ना घोटा लोगे। तेरे लिए नई सिम लेके आ रहा हूँ। दो-दो सिम हो जाएंगी। आगे दिखाओ ना, मैं पढ़ लूँ ना क्या है। Oh no! साइन करा के रख दूंगा, इन फ्यूचर कभी काम आएगा, कल का कोई पता है क्या इंसान की प्रगति? भाई लोग ये अपना लेटर तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी से पढ़ लो इसको। ये आप देख लो सब्जेक्ट, ठीक है, इसकी हेडिंग, ठीक है, और ये मेन मुद्दा जो है, ठीक है, ये मैडम का नेम, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे हम मैडम का अंगूठा। तो अब इसका ले लेते हैं प्रिंट। ये निकल गया अपना प्रिंट। चलिए, मॉर्निंग गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो एवरीवन, पता नहीं यार क्या आप लो फ्लो में निकल गया, फोन ने टच आता जा रहा है आजकल, इसको मेंटेन करूंगा। बाय द वे, आप लोग कैसे हो? आई थिंक सब अच्छे होंगे। और भाई आप लोगों ने जैसा कि देखा, मैंने लेटर ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। दो दिन मुझे लेटर रेडी करे हुए हो गए, बट अभी तक एक भी चांस नहीं मिला कि मैं इस प्रैंक को शूट कर सकूं। बट आज जो है मुझे चांस मिल गया। मिसेस की थोड़ी तबीयत खराब है, ऊपर लेटी है गोली खा करके, ठीक है। लेटर अपना ये रहा जेब में, स्टम्प पैड अपना रेडी है। अब जो भी है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, ज्यादा खराब नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रैंक करूंगा, ज्यादा प्रैंक नहीं करूंगा। बट उस प्रैंक के अंदर मजा बहुत आएगा, क्योंकि मेरी बीवी की जब तबीयत ज्यादा खराब होती है ना, तो वो ज्यादा पेलती है। सही बता रहा हूँ, आज देखते हैं उसके अंदर कहाँ से एनर्जी आएगी तबीयत खराब होने के बाद। आज सारे काम मेरे से कराए, कपड़े भी मेरे से प्रेस कराए, ये देखो ने कपड़े भी मेरे से प्रेस करा लिया आज। चलो कोई बात नहीं यार, इतना काम कर लेना चाहिए जब मिसेस की तबीयत वगैरह खराब हो। हाँ वो बात और है कि आपका वीडियो अपनी जगह है, उसको शूट कर लो, क्योंकि उसको मिस नहीं करना चाहिए, आप लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी बाकी के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे मिल जाए। और आइए देखते क्या करती आज हमारी घायल शेरनी जो गोली खा के लेटी है। मिलते हैं वीडियो में, आओ। A few moments later. Hey! Oh no! से ना हो पाएगा। मेरे तो लग गए। क्या खबर तुमने? क्या है ये? अरे रुमाल का है मेरा, रुमाल नहीं मिलना। तुमने मेरा अंगूठा किस बात कर लिया? ये लेट जा यार, वैसे तेरी तबीयत डाउन है, सो जा आराम से। मैं सो जाऊंगी, पर ये अंगूठा क्यों लिया है मेरा? दोनों ही क्या ही है? एक नई सिम निकलवा रहा हूँ भाई। तो सिम निकलवा तो तुम मेरे से ऐसे चुपके थोड़ी ना अंगूठा लोगे। तेरे लिए नई सिम लेके आ रहा हूँ, दो दो सिम हो जाएंगी। हाँ तो दिखाओ ना, मैं पढ़ लू ना क्या है। ओह नो यार, मेरी बात तो बोल रहा हूँ। तो तुमने मेरा अंगूठा लिया, वो भी मैं सो रही हूँ तब ले रहे हो। जियो की सिम पुरानी हो गई, अब एयरटेल की सिम लाएंगे बढ़िया सी। तो सोते में क्यों ले रहे हो? सो जा, गोली खा ली। अरे देखा तो तुम्हें मेरा अंगूठा लिया, तुमने तो क्या लिया है? चार तेरे से मैं शुगर आ रहा हूँ, और कुछ नहीं है, तो इतना विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? लड़ते तो तुमने सोते में क्यों लिया? विश्वास होता तो जगह मैं तेरे को परेशान नहीं कर रहा था, मैं चल आराम कर रही है, कोई बात नहीं।
अरे देव वो रोड पे खड़े रहते हैं छतरा लगा के सिम वाले, उनसे एक सिम लेके आऊंगा तेरे लिए ऐसी एयरटेल की। फ्यूचर के लिए है, मान लो कभी इन फ्यूचर कुछ बने मूड तेरा या मेरा या कुछ हो जाए, मान लो प्रॉब्लम वगैरह, तो उस चीज के लिए है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा मींस क्या चल क्या है तुम्हारे मन में? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, वो तो बस एक, मैं उसको सिर्फ फाइल में डाल के छोड़ देता, पढ़ा रहता 10-20 साल काम होता। क्या प्लानिंग है? क्या है? नहीं, ये तुमने जो ये लिखा है प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र पढ़ा है तुमने? ये पढ़ा है तुमने? मुझे हिंदी नहीं आती। ये लेटर जो तुमने लिखा है, तुम्हारी प्लानिंग चल क्या रही है? अरे भाई कोई प्लानिंग नहीं है यार, ऐसी हदों की। तो फिर तुमने मेरा अंगूठा छुपके लिया और ये सब क्या है? हस्बैंड वाइफ में ये सब क्या चलता है कि पहले प्लानिंग करके रख लो? यार उसको एज इट इज फाइल में डाल दूंगा, इन फ्यूचर कभी काम आएगा आएगा, ठीक है? अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा चल रहा है ना तो मुझे बता दो, मैं खुद छोड़ के चली जाऊंगी। ओह नो, तुमको क्यों ये सब करने की जरूरत नहीं है ना फिर? यार तू झूठ बोल रही है, मतलब तू मजाक कर रही है। मैं मजाक कर रहा हूँ मतलब की मतलब ये लेटर फाइल में छोड़ कर चली जाऊ? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये तुमने पढ़ा है? तो वकील ने बना, मेरे को नहीं पता क्या मैं पढ़ के सुनो। तो पढ़ लो, तुम्हें आता है तो। मैं सुरजीत कश्यप अपने पूरे हवास में ये खत लिख रहा हूँ, मैं अपनी पति सुरजीत कश्यप है, वहाँ पे रतिका कश्यप, तेरा नाम तो मोना है। मैं रतिका कश्यप वाइफ ऑफ सुरजीत अपने होश में ये खत लिख रही हूँ, मैं अपने पति को दूसरी शादी करने की मंजूरी देती हूँ जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। मैंने दूसरी शादी की तुम्हें कब आपत्ति दी? ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के मैंने लिए। मैंने कब अनुमति दी तुम्हें? आप दोना, आप दोना। यार मैं तेरे से क्या तो रहा हूँ, इन फ्यूचर भविष्य का कुछ पता है क्या किसी का? यार मैं तो होश में थी नहीं, मैं तो नींद में थी, तो तुम मेरी नींद में मेरे से तुमने ये अनुमति ली है? तो वो तो आवाज में देती हो अनुमति, मैं उसको बस एंड करा के रख दूंगा, इन फ्यूचर कभी काम आएगा उनका कोई पता है क्या इंसान की प्रगति? फ्यूचर काम आएगा या तुम अभी के लिए कर रहे हो? ये अभी के लिए कर रहे हो ना तुम? अभी कुछ है ना तुम्हारे दिल में? यार अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अभी कुछ है, मुझे बताओ कौन है तुम शादी करना चाहते हो? तुमने ये अनुमति ये लिखवाई है, कौन है? यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कुछ नहीं है ना फिर क्या है ये? यार मैंने सिर्फ ना ये इन फ्यूचर के लिए बनवाया। इन फ्यूचर में मतलब इन फ्यूचर में क्या है? अभी हालात ऐसे लग रहे हैं ना, कहीं ना कुछ इधर उधर कुछ भटक जाएगा। हालात ऐसे लग रहे हैं या भाल कुछ है? भाल उधर, भाल कहीं कुछ नहीं है यार। नहीं भाल यार, मान जरा प्लीज यार। कौन है जिसके साथ प्लानिंग कर रही है? ये जिसके साथ प्लानिंग हो रही है कौन है? कौन है? नहीं आज ना मैं और तुम्हें ना इसी बेड से ना आग ढेर देना, मुझे बता दो चुपचाप से। लेटर दे दो। नहीं जो मेरे साथ किया है ना लेटर, मतलब मैं अंगूठा लगा अपना लेटर दे दूं मुझे रखा है तुमने? यार क्या गलत बोल रही है? वो कुछ वो कुछ नहीं साले, अभी तेरी तबीयत खराब थी, अभी तू गोली खा के लेटी है, मैं तेरे लिए जूस लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए तो झेल लाना चाहिए इस हिसाब से। मेरे को लग रहा है झेल ला के दोगे, इससे तो काम चला नहीं है। वो भी पता लग गया तेरे को है ना, इससे तो चलेगा नहीं काम। अब झेल ला के मतलब वो पता लग गया, मतलब तुम झेल लेने जा रहे थे, सच्ची में झेल लेने जा रहे थे? झेल दे कोई मेडिकल वाला मेरे। तुम ये सब कर रहे हो, मैंने सोचा नहीं था। यार देख ये लेटर मुझे दे दो, ये लेटर मुझे दे दो, ये सिर्फ फ्यूचर मेरी ना आज तक सच्ची तो तबीयत ठीक नहीं है। फ्यूचर के लिए और कुछ नहीं, मेरी जेब फट जाएगी फ्यूचर के लिए। यार तेरे को अभी प्रेजेंट में कोई दिक्कत आए इस चीज से तो मेरे को बोलियो,
तू मेरे से लड़ फैन करा ले। मुझे आ रही है ना दिक्कत। क्या आ रही है? मुझे दिक्कत तो तेरी तबीयत डाउन है, दवाई ला के दे देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगी। वो दिक्कत अलग है, ये दिक्कत अलग है। वो लेटर चुपचाप से दे दो, नहीं आज सच्ची में कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लानिंग कर के कहाँ रहे हो ये तो बता दो मुझे। पर तुम मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो? कहाँ गए वो कसमें, कहाँ गए वो वादे जो मेरे शादी के टाइम पे इतने वादे किए थे? मैं 7 जन्म तक साथ निभाऊंगा, तो एक जन्म में मेरे साथ ही कर दिया। शादी के 9 साल ही तो हुए हैं। तुम ये जो कर रहे हो ना प्लानिंग, लड़की कौन है जिसके साथ तुम ये प्लानिंग कर रहे हो दूसरी शादी की? ये सिर्फ ना मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए रखा है। फ्यूचर में मान लो कभी इधर उधर मन भटकता है, जैसे हमारे घर में एसी है, हम एसी चलाते हैं, तो क्या हम पंखा नहीं चलाते? पंखा भी चलाते हैं ना। तो कहना क्या चाहते हो? पंखे की आवाज जो है बस एसी तक नहीं जानी चाहिए, ये एसी को पता लग जाती है वो गर्म हवा फेंकता है यार। तुम जो ये डायलॉग मार रहे हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। तो अपने आप को ऐसी समझ रही है? सब समझ में आ रहा है। प्यारी समझ गई। सब समझ में आ रहा है मेरे को। मुझे पता है तुम्हारा कुछ ना कुछ है भार, इसलिए तुमने मेरे से अंगूठा लगवाया। वो लेटर दे दो और मैं कहीं ना शादी, तुम्हें शादी तो तुम शादी मर जाऊंगा, लेटर नहीं दूंगा तेरे को। मैं मर जाऊंगी, मैं लेटर लेके रहूंगी। मरी जाएगी तो लेटर लेके करेगी क्या? तो मुझे मारना ही चाहते हो, जो लग ही रहा है। लेटर लेक करेगी क्या फिर? मुझे लग ही मेरी जेब में फट जाएगी। लेटर दे दो मतलब मेरी जिंदगी दाव पे लगी, तुम हंस के दिखा रहे हो। तेरी जिंदगी कहाँ दाव पे लगी? तो मार थोड़े रहा। मुझे मार ही दो के? यार तू तो बड़ा नेगेटिव जा रही है यार। तुम नेगेटिव नहीं जा रहे हो। मैं इतना पॉजिटिव प्रैंक शूट कर रहा हूँ, वहाँ कैमरा लगा रखा है टेडी बियर के पिछवाड़े में, और तुम इतना नेगेटिव जा रही हो यार। और क्या कर रहे थे? ये क्या है? मतलब ये क्या स्टैम्प पेपर पे है? प्लेन पेपर है बेचारा। वैसे अंगूठा तो मिल ही गया प्रैंक के वाले। बाय द वे तबीयत डाउन है, मेडिसिन खाओ, लेट जाओ। लेकिन सारे तुम्हारे हाल नहीं बता रहे तुम्हारी तबीयत डाउन है। इस हिसाब से तो तुम निकलो, जाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, जाले छुड़ाओ पूरे घर के। और मैं तो कह रहा हूँ सफेद का एक डब्बा लाओ पेंट का, और पेंट करो दीवारें। तबीयत खराब है इनकी। बाय द वे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यार वो जरूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे, और ऐसे ही आप मुझे आगे बढ़ाते रहो, और मैं आपको हंसाता रहूं। ए जाने चल, हो गया काम। लेटर क्या तेल लेना? अच्छा मैं लेटर को लेटर लेके जा रहा हूं, मैं लेटरिंग में नहीं, लेटर देके जाऊंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।